आपने आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा है, सूर्य तक लगेगा या नहीं, ग्रहण का समय क्या होगा और ग्रहण किन किन स्थानों पर दिखाई दे। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा पर लगेगा। चंद्र ग्रहण का समय सूतक काल कब शुरू होगा और साल का पहला चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, यह सब मैं आपको अपने वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, साल 2023 में कुल चार ग्रहण लगेंगे। वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के बाद अब चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा को लग रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज के बीच आती है। पुराणों के अनुसार जब राहु चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तब चंद्र ग्रहण का सहयोग बनता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लगता है। चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक की अवधि अशुभ मानी जाती है। चंद्र ग्रहण का समय सूतक काल कब शुरू होगा, यह सब मैं आपको बतला रहा हूं। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को रात 8:45 पर शुरू होगा। इसकी समाप्ति देर रात 1 बजे होगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन वैशाख माह की पूर्णिमा भी है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चंद्र ग्रहण का परम ग्रास समय रात 10:13 पर है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होता है जबकि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होता है। लेकिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। उपछाया की अवधि 4:15 जो 29 सेकेंड होगी। उपछाया चंद्र ग्रहण का परिमाण 0.95 होगा। बंधुओं, साल का पहला चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ रहने के कारण यह ग्रहण हर जगह दिखाई नहीं देगा। साल के पहले चंद्र ग्रहण का असर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत अंटार्कटिक और हिंद महासागर पर रहेगा। साल का पहला उपछाया चंद्र ग्रहण जब चंद्र पर पृथ्वी की छाया ना पड़कर उपछाया पड़ती है तो इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है जिसे चंद्रमालिक ने कहते हैं। इसके बाद चांद पृथ्वी की वास्तविक छाया भूभाग में प्रवेश करता है लेकिन कई बार चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करके उपछाया शंकु से ही बाहर निकल कर आता है। ऐसे में उपछाया के समय चंद्रमा की रोशनी में हल्का धुंधलापन आ जाता है, चंद्रमा का रंग पटमैला हो जाता है। इसे ही उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, वैसे तो ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा फिर भी गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण लगने के समय बाहर न आए और कोई भी वस्तु को काटे नहीं, जैसे कि सब्जी, नाखून, बाल आदि। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय किसी भी वस्तु का खान पान ना करें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय अपनी चोटी को भी ना बांधें और सिर में गंगी ना करें। बंधु, इस छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें क्योंकि गर्भवती महिलाओं का
इन बातों की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका बहुत बुरा असर दिखाई देता है। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।